सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से क्या है कि लड़कियों की सुरक्षा और समाज में एक ही स्थान देने का जो है प्रयत्न किया जा रहा है, और इस योजना के अंदर क्या है कि लोगों की मानसिकता को परिवर्तन करने की कोशिश है कि क्योंकि दोस्तों भारत की जनसंख्या क्या है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात यह है कि लड़कियों का अनुपात वर्ष दर जो है कम होता जा रहा है, और यह भारत सरकार का एक सामाजिक अभियान है जिसका लक्ष्य ये है कि लड़कियों के लिए बनाई गई कल्याण सेवाएं जो भी है या फिर योजनाएं हैं उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और उसमें सुधार करना और बेटियों को क्या है कि उनका अच्छे से स्थान देना और उनको पढ़ाई की तरफ उनको जागरूक करना, ये सरकार की योजना है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो दोस्तों इस योजना के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और बेटी के माता पिता का पहचान पत्र और बेटी के माता पिता का एड्रेस प्रूफ इसके अंदर आपको चाहिए होता है। और इसके लिए बेटी की आयु की बात करें तो दोस्तों आवेदन के समय बेटी की आयु 10 वर्ष या इससे कम होनी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेटी के माता पिता या अभिभावक जो भी हैं उसके द्वारा इस योजना के लिए आवेदन किया जाता है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि RBI के नियम है कुछ, उसके अनुसार क्या है कि अनिवासी अब भारतीय यानी कि दोस्तों NRI इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब इस योजना के कुछ नियम व कायदे हैं तो वो जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि दोस्तों आपको क्या है कि प्रतिवर्ष 100 रुपये जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद अगर आप दोस्तों प्रतिवर्ष 12,000 रुपये जमा करते हैं तो धनराशि जो आपको मिलेगी 14 वर्ष तक जमा करना ज़रूरी है। इसके प्रकार से आपकी इस योजना के अंदर 1,68,000 रुपये जमा हो जाते हैं और योजना का भुगतान होने पर इसमें क्या है कि 6,07,128 रुपये आपको मिलेंगे। और जैसे ही आपकी बेटी क्या है कि 18 वर्ष आयु जो है क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद क्या है कि 50% जो राशि आप निकाल सकते हैं और शेष 50% उसकी शादी के अंदर आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको आपके आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप क्या है कि इसका फॉर्म जो है www.wcd.nic.in पर जाकर क्या है कि वहाँ से आवेदन फॉर्म जो है निकाल सकते हैं। और इसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि आपके आसपास जो भी बैंक है या पोस्ट ऑफिस है इस योजना को लाभ लेना चाहते हैं तो उसकी आधिकारिक जो भी वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको जो योजना दिखाई देगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर आपको लिंक करना है और लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक के अनुसार अलग अलग भी ये योजना हो सकती है। और जैसे ही आप इस योजना पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने एक पेज खुलेगा, उस पेज के अंदर दिए गए निर्देश और आवेदन का लिंक आपको दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों निर्देशों की भली भांति आप अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप आवेदन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज आएगा जिस पर निर्धारित स्थान और सही सी जानकारी आपको भर देनी है। उसके बाद दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसके लिए क्या है कि पेमेंट क्या है कि आप नेट बैंकिंग के द्वारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर UPI के द्वारा भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और पेमेंट के बाद आपकी पावती जो भी रसीद प्रिंट आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के आप बॉन्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या है कि आपकी इस योजना के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी योजना है। अगर आपके भी घर में बेटी है 10 वर्ष से कम आयु की तो दोस्तों इस योजना का लाभ आपको जरूर लेना चाहिए ताकि दोस्तों उनकी पढ़ाई की उसके शादी की आपको टेंशन ना रहे और कुछ आपकी मदद भी हो सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।